हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, दैट इज ओपेरॉन। क्या ओपेरॉन होता क्या है, किन ऑर्गेनिजम्स में काम करता है और कैसे यूजफुल है, हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपेरॉन है क्या चीज़? ओपेरॉन बेसिकली एक सिस्टम है जो प्रोकैरियोट्स में काम करता है। प्रोकैरियोट्स मींस जो लेस डेवलप्ड या अब बैक्टीरिया कह लीजिए या लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये ऑपरेट करता है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक सिंगल प्रमोटर मींस एक सिंगल रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है, प्रमोटर कह लीजिए, रेगुलेटरी सीक्वेंस कह लीजिए, एक सिंगल कंट्रोल रीजन के अंदर एक जीन ना होके बहुत सारे जीन वन आफ्टर द अनदर होते हैं। तो बहुत सारे जीन्स प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रमोटर और अ सिंगल रेगुलेटरी सीक्वेंस, दैट इज रेफर टू एज एन ओपेरॉन। अब क्या इसका फायदा है? अब देखिए इसमें क्या क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो ओपेरॉन एक क्लस्टर है जिसमें बहुत सारे जीन्स होंगे, बहुत सारे जीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करेंगे। हाँ, ये एक बात जरूर है कि ये जो प्रोटीन्स होंगे, ये रिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, दे बिलोंग टू ए सिमिलर, मतलब सेम फैमिली और सिमिलर फैमिली, सिमिलर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन होते अलग अलग प्रोटीन्स हैं। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन्स हैं जो प्रोटीन्स को कोड करेंगे, रेगुलेटरी जीन्स वो मैकेनिज्म्स, वो जीन्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके, जैसे ऑपरेटर यहाँ पे है, तो जो कंट्रोल करेगा कि कौन सा कि ये जीन एक्टिवेट होंगे, ये पूरा जो नेटवर्क है एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। और तीसरा, आपके पास रेगुलेटरी साइट्स हैं, जैसे प्रमोटर है, ऑपरेटर है। तो बेसिकली आपके पास जीन्स हैं, रेगुलेटरी साइट्स हैं, और रेगुलेटरी जीन्स वो जीन्स होंगे जिनके प्रोडक्ट्स इनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। सो बेसिकली तीन मेन चीज़ें यहाँ पे। तो आगे हम बात करें क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक ही प्रमोटर जब एक्टिवेट होगा तो ये सारे के सारे जीन एक ही बार में ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, एक ही बार में इनकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, एक पूरा एमआरएनए बनेगा जिसमें तीन प्रोडक्ट्स होंगे, तीन डिफरेंट जीन के प्रोडक्ट्स होंगे। तो जिसको आप, मैंने पहले लेक्चर कुछ लेक्चर में बताया था आपको आरएनए टाइप्स में, कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनेगा, एक ऐसा एमआरएनए बनेगा जिसमें मल्टीपल जीन प्रोडक्ट्स होंगे, उसे हम कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। तो ओपेरॉन क्या करता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में बार बार या इनिशिएशन का प्रोसेस नहीं करना पड़े, एक ही बार इनिशिएशन हुई तो तीन चार जीन जो है इकट्ठे ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, जो रिलेटेड जीन्स हैं वो एक साथ ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। बात करते हैं ओपेरॉन की टाइप्स की। अब ओपेरॉन ब्रॉडली दो तरह का होता है। कुछ ऐसे जीन क्लस्टर्स होते हैं जो नॉर्मली ऑन होते हैं, जो खुद से एक्टिवेटेड ही हैं ऑलरेडी, जो बाय डिफॉल्ट ऑन है। तो उन जीन्स को हम कहते, उन जीन्स को कभी कभी आपको रोकना पड़ता है, कभी कभी उनको नेगेटिवली कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे ओपेरॉन, जो ऐसा ओपेरॉन जिसके जो जीन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऑन हो, उस तरह के ओपेरॉन में क्या होता है, उनको कभी कभी नेगेटिवली रोकना पड़ता है, कभी कभी उनको डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो ऐसे तरह का ओपेरॉन कहलाएगा रिप्रेसिबल ओपेरॉन। और जो दूसरा है उस केस में, ओपेरॉन ऐसा ओपेरॉन है जिसके जीन्स जो है नॉर्मली स्विच्ड ऑफ हैं, वो स्विच ऑफ है और जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब उनको स्विच ऑन करना है। तो ऐसे केस में जो रेगुलेटरी जीन्स का प्रोडक्ट आता है जो, वो इसको स्विच ऑन करने में हेल्प करता है, तो उसे आप एक्टिवेटर कहते हैं, इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं इस तरह के ओपेरॉन को। और जो चीज इसको एक्टिवेट करेगी, जो जो प्रोडक्ट इसको एक्टिवेट करेगा, उसको एक्टिवेटर कहेंगे, इंड्यूसर कहेंगे। रिप्रेसिबल ओपेरॉन नॉर्मली ऑन होता है, और जो चीज इसको रोकेगा, जो चीज इसको बंद करेगा, उसे हम रिप्रेसर कहते हैं। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, अगर ये यहां से यहां मूव कर सकता है तो ये जीन्स जो है एमआरएनए बना देंगे, और अगर इसकी मूवमेंट में कोई हिंड्रेंस आ जाए तो ये जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे। एक बेसिक्स आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे ओपेरॉन्स काम करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन कैसे काम करते हैं और रिप्रेसिबल ओपेरॉन कैसे काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये चीज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन की। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन, मैंने कहा ये जीन्स नॉर्मली ऑफ होते हैं, नॉर्मली ये जीन्स ऑफ होते हैं। मोस्टली इनमें वो जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं जो आपके कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व, मींस किसी चीज के ब्रेकडाउन में जो जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, उन जीन्स के साथ ये ओपेरॉन, इस ओपेरॉन के साथ यूजुअली वो वाले जीन्स एसोसिएटेड रहते हैं।
इसकी एग्जाम्पल बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, वेल स्टडीड एग्जाम्पल है, लैक ओपेरॉन कहते हैं। लैक ओपेरॉन, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज। तो होता क्या है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया है वो कार्बन सोर्स के लिए, एनर्जी सोर्स के लिए लैक्टोज पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो यूजुअली लैक्टोज को प्रेफर्ड सोर्स नहीं मानता या नहीं लेता उसको, लैक्टोज को एज ए प्रेफर्ड सोर्स। तो यूजुअली जो लैक्टोज को कंज्यूम करने वाले, को डाइजेस्ट करने वाले या ब्रेक डाउन करने वाले जो जीन्स हैं वो ऑफ रहते हैं। तो लैक्टोज को जो जीन्स हेल्प करेंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो सारे जीन्स इकट्ठे पड़े होंगे इन द फॉर्म ऑफ एन ओपेरॉन, जिसको हमने नाम दे दिया लैक ओपेरॉन, बिकॉज लैक्टोज डिपेंडेंट है। तो कभी कभार क्या होता है, या कभी सेल को जरूरत पड़ी, या जो दूसरे कार्बन सोर्सेज हैं या दूसरे एनर्जी सोर्सेज हैं वो अगर अबंडेंट अमाउंट में नहीं हुए, या सेल को उनसे सफिशेंट एनर्जी नहीं मिल रही और लैक्टोज अवेलेबल है, तब सेल क्या करेगा, या तब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा टू यूजिंग लैक्टोज। तब वो उस सिचुएशन में लैक्टोज को यूज करना शुरू करेगा। अब लैक्टोज को यूज करना शुरू करेगा, उसके लिए उसको वो जीन्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे जो लैक्टोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो इसके लिए जो ये जो ओपेरॉन है इसको स्विच ऑन किया जाएगा। अब ये मतलब कहने का, इसको ब्रीफली समराइज करूं अगर मैं, तो लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन ऐसा ओपेरॉन है जिसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स रहते हैं, वो जीन्स लैक्टोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, और वो जीन्स तभी एक्टिवेट होने चाहिए जब लैक्टोज अवेलेबल हो। तो मींस जब लैक्टोज अवेलेबल होगा तब वो जीन्स काम करेंगे, तब वो जीन्स लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे, और अगर लैक्टोज अवेलेबल नहीं होगा तब वो जीन्स स्विच ऑफ रहेंगे जो वो नॉर्मली रहते हैं। आप इस फिगर से समझने की कोशिश करिए कि अगर लैक्टोज नहीं है, तो क्या होता है, ये जो ऑपरेटर जीन है, ये जो नॉर्मली एक प्रमोटर के बाद एक ऑपरेटर सीक्वेंस है, इसके ऊपर एक रिप्रेसर बैठा रहता है। ये जो ऑपरेटर सीक्वेंस है इसके ऊपर एक रिप्रेसर बैठा रहता है। इस रिप्रेसर की बैठने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज इस जो है डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता। उसकी जो मूवमेंट है वो ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस रिप्रेसर। अब क्योंकि वो मूवमेंट ब्लॉक्ड है तो आरएनए नहीं बनेगा। जब आरएनए नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं ये जीन्स काम नहीं कर रहे, ये जीन्स स्विच्ड ऑफ हैं। दूसरा केस, जब लैक्टोज होगा, तब वो लैक्टोज इन एन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोर्स, इन द फॉर्म ऑफ एलो लैक्टोज, वो लैक्टोज जो है जाके इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा। जैसे ही वो उस रिप्रेसर से बाइंड करेगा, अब इस रिप्रेसर की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर रहा है और आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता इसने रोक दिया। जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट है तब वो लैक्टोज इस रिप्रेसर के साथ इंटरैक्ट करता है और इसको ऑपरेटर से बाइंड नहीं करने देता। जैसे ही ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, मतलब ऑपरेटर फ्री हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोकने के लिए अब कोई खड़ा नहीं है। तो आरएनए पॉलीमरेज इजिली मूव कर सकता है अपॉन दिस ओपेरॉन और इस पूरे जीन सिस्टम को, लैक जी, लैक वाई, लैक ए, ये तीन जीन्स हैं, इनको इजिली ट्रांसक्राइब कर सकता है। तो इस ओपेरॉन में आपने क्या देखा, एक चीज जिसका नाम है लैक्टोज, वो एक्ट करता है एज एन एक्टिवेटर। व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट जीन्स आर एक्टिव, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट जीन्स आर स्विच्ड ऑफ। तो इस तरह के ओपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं, जिसकी जो है जिसको ऑन होने के लिए किसी एक्टिवेटर की जरूरत पड़े वो कहलाता है आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन। आई होप आपको यहां तक थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया। लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप, दैट इज अ रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन इसका बिल्कुल उल्टा है। अब रिप्रेसिबल ओपेरॉन किस केस में है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं, हाउसकीपिंग जीन्स हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स जो बड़ी बेसिक सिंथेसिस वाली प्रोसेसेस को कंट्रोल करती हैं, जैसे आपकी एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं बॉडी में, तो जो उनको कंट्रोल करते हैं जीन्स, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहलाते हैं आपके एक ओपेरॉन। इस केस में रिप्रेसिबल ओपेरॉन, इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। एक ऐसा ओपेरॉन जो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, उसको जो ओपेरॉन, उसको जो जीन क्लस्टर बनाता है उसे बोलते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो नॉर्मली सेल को ट्रिप्टोफैन चाहिए और ट्रिप्टोफैन को बनाने वाले जीन्स जो है वो नॉर्मली ऑन रहते हैं। अब कई बार क्या होता है, सेल को जितना ट्रिप्टोफैन चाहिए उससे ज्यादा बन गया। सपोज उसको
एक्स अमाउंट चाहिए, अब एक्स अमाउंट बन गया, अब उसके बाद और ट्रिप्टोफैन बने जा रहा है, तो वो सेल क्या करेगा उस चीज का? तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेल का एक नेगेटिव कह लो फीडबैक कंट्रोल है, ये फीडबैक मैकेनिज्म आपने शायद कहीं पढ़ा होगा। तो एक फीडबैक कंट्रोल है कि जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा हो जाता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन नॉर्मली ऑन रहता है बिकॉज सेल को ट्रिप्टोफैन चाहिए, सेल के लिए बड़ा जरूरी है ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन बन रहा है, ओपेरॉन ऑन है। लेकिन जब उस ट्रिप्टोफैन का अमाउंट जो है, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है जितनी सेल को चाहिए उससे एक्सेस हो गई, उससे ज्यादा हो गई, मीन्स अनवांटेड ट्रिप्टोफैन बनना शुरू हो गया, तब सेल क्या करेगा? उस ट्रिप्टोफैन की प्रोडक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक देगा। अब कैसे रोकेगा? अगर आप एक बार इस फिगर को देखेंगे, जो आपकी ये फिगर देखिए इसको आप एक बार, कि जब ट्रिप्टोफैन आपका नहीं है, सेल के पास कम है, तो सेल जो है कॉन्टिन्यूसली ट्रिप्टोफैन बना रहा है। जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट कम है तो सेल जो है कॉन्टिन्यूसली ट्रिप्टोफैन बना रहा है। अगर आपका ट्रिप्टोफैन ज्यादा बन गया, एक्सेस में बन गया, तब क्या होगा? ये जो रिप्रेसर है यहाँ पे, जो नॉर्मली जब ट्रिप्टोफैन नहीं होता या कम होता है, या जब चाहिए होता है सेल को, तब ये रिप्रेसर बाउंड नहीं कर सकता ऑपरेटर के साथ। लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफैन एक्सेस में हो गया, वो इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा यहाँ पे, और ये रिप्रेसर जाके अब ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। बिल्कुल उल्टा है लैकोपेरॉन का, कि जहां पे एक्सेस में वो रोकता था उसको बाइंड करने से, यहां पे जब एक्सेस होगा ट्रिप्टोफैन तो रिप्रेसर जो है इजिली बाइंड कर सकता है ऑपरेटर के साथ, और फिर से वही प्रोसेस, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रुक गया और ये जीन्स बंद हो गए। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन यूजुअली जो है आपका कहलाता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन, बिकॉज अगर ट्रिप्टोफैन ज्यादा है तो जीन्स बंद हो जाएंगे, ट्रिप्टोफैन कम है तो जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बेसिक डिफरेंस लैक्टोज ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में ये है कि लैक्टोज ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, उसको इंड्यूस करने के लिए लैक्टोज चाहिए, और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, मतलब अगर ट्रिप्टोफैन ज्यादा हुआ तो वो ओपेरॉन काम करना बंद हो जाएगा। तो ब्रीफ में समराइज करने के लिए लास्ट में आपको फिर बता दूं, ओपेरॉन एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है, जो सारे जीन्स एक सिंगल प्रमोटर के कंट्रोल में पड़े होते हैं। ये सिस्टम आपका प्रोकैरियोट्स में आपको मिलता है, यूकैरियोट्स में ये सिस्टम नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में सभी सारे जीन्स को एक साथ ट्रांसक्राइब करा के एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है, और अलग अलग प्रोटीन पेप्टाइड्स बना के उस बाद में उनको क्लीव कर लिया जाता है। तो दिस इज हाउ प्रोकैरियोट्स शो दिस मैकेनिज्म ऑफ हैविंग क्लस्टर्ड जीन्स इन द फॉर्म ऑफ एन ओपेरॉन। तो आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। आई होप आगे जो वीडियोस हैं आपके लिए और एक्सप्लेनेटरी होंगे। थैंक यू।